त्रिपाद का एक सुंदर सूत्र है कार्मिक सूत्र। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध से अनुमति लेकर कुछ बनते लोग 30-40 बनते हैं हिमालय तरफ चले गए वर्षावास, यानी कि इसी समय 3 महीना रहने के लिए। कार्मिक सूत्र इसी समय बताया गया है, 3 महीना रहने के लिए। तो बनते लोग देख बहुत सुंदर जंगल, अच्छा लगता है, बहुत शांति माहौल है, खूबसूरत है। तो उसी जंगल में जाकर के बनते लोग अपना अपना जगह लेकर के बैठ गए सुंदर पेड़ों के नीचे। लेकिन उस पेड़ों में देवताओं हैं, देवताओं को ये भांति लोगों का शीर समाधि का बल से पेड़ के ऊपर नहीं रह सकता है, इसलिए क्या हुआ, देवताओं उतर गया पेड़ों से। उतरने के बाद देवताओं बातचीत किया, तीर के कारण बजाएगा इन लोग, कोई बात नहीं, कल सुबह तक हम लोग इन लोग के लिए पेड़ों से उतर जाएंगे। कल इन लोग जाने के बाद हम लोग आराम से फिर अपना भवन में जा सकते हैं। फिर सुबह आगे बनते लोग रात तक रह के, रात में बनते लोग बातचीत करने लगा सब मिल के, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है, हम लोगों को 3 महीना इस जगह पे रह सकता है आराम से। देवताओं एकदम गड़बड़ हो गया, 3 महीना, हम लोग सोचे हम लोग कहते हैं 1 दिन, 3 महीना, नहीं नहीं ये काम नहीं चलेगा, शुरू कर लो इन लोग भगाने के लिए कुछ काम। फिर कौन ये बात कर रहे हैं अभी, वृक्ष देवता, घूमाट देवता। तो ये देवताओं ने क्या किया, नुए गड़बड़ करने लगा। कुछ दिन बीत गया, एक बांते जी और एक बांते के पास आके बताने लगा, कान के पास आके, सुनिए ना, रोज एक प्रॉब्लम होता है, क्या मेरा गला दबाता है, कौन तो आके आपका सिरपाप गला दबाता है, हमको पैर से लेकर के फेंका देता है, हमको पलंग से कुटिया से बाहर। इसका बाकी बातें लोग जाएगा, बाकी बातें लोग बताने लगा, मेरे आमने सामने आने लगा देवता रूप लेके, नहीं खतरनाक रूप लेके, अलग अलग प्रकार की आवाज करने लगा, अलग अलग प्रकार की डरावना आवाज करने लगा। आप बांते लोग समझ गया, बहुत गमकता नहीं है चारों तरफ, पूरा बदबू मारता है प्रेतों की तरह। बांते लोग को समझ में आ गया, गलत जगह पे आ गया, अब तो वर्षावास के समय वर्षावास को छोड़ के जा भी नहीं सकता है, 3 महीना रहना तो पड़ेगा ही। 3 महीना बहुत मुश्किल से रहा, 3 महीना बहुत मुश्किल से रह गया। 3 महीना के बाद बांते लोग वापस आ गया श्रावस्ती हिमालय से। आने का बांते लोग पूछने लगा, यू बने क्या हो गया, एकदम फातला दुबला, आधा से आधा वजन खत्म हो गया शरीर का, हो गया क्या, हुआ क्या। चलिए ना प्रतागत को बताएंगे, भगवान बुद्ध के पास जाने का, भगवान बुद्ध से क्या हुआ, कुछ एकदम पतला दुबला हो गया है, खुशी से नहीं रह पाया वहाँ। भगवान हम लोग को ऐसा ऐसा हो गया, असुर लोग हम लोग को बहुत तंग करने लगा। भगवान बुद्ध बात, असुर नहीं हो, देवताओं हो, आप लोगों का शीर गुण धर्म का बल से उन लोगों के ऊपर नहीं रह पाते हैं, इसलिए उन लोग आप लोगों को भगाने के लिए से किया, लेकिन आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का जगह भी वही है, फिर आप लोग वही जाना पड़ेगा, वही से आप लोग ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है। ऐसे करके भगवान ने सिखाया कारणीय में से सूत्र बनते लोगों को, कारणीय में सूत्र सिखा के बताया, माइक के लिए जाके बनते लोगों ने क्या किया,
वापस उसी जंगल में आ रहा था। आते समय देवता हम क्या सोचे होंगे, बहुत मुश्किल से हम लोग इन लोग को भगा दिया। हम लोगों ने सोचा इन लोग का भी वापस आने के लिए विचार भी नहीं करेगा, देखो ये आ रहा है लाइन से, फिर जो गया सब आ रहा है, देवताओं डर गया। इसके बाद उसी दिन आने का तुरंत सुंदर से कारणिमित सूत्र सभी लोग मिल के बोलने लगा, करणी मत कुशल अंतन संतान पदंग अभिनिच इत्यादि। दोपहर में भी बोलने लगा, रात में भी बोलने लगा। करणी में सूत्र निरंतर बोलने के बाद देवताओं का बदल गया। तब उन लोगों का मन में आ गया, ये हम लोगों का दुश्मन नहीं है, ये हम लोगों को हानि पहुंचाने के लिए आए नहीं है, ये लोग हम लोगों ये लोग तो मैत्र विचार है, कितना गुण धर्म है, इन लोगों को सेवा करना चाहिए, इतना महान लोगों के लिए पेड़ चाहिए नहीं हम लोगों को। ऐसे करके सारे देवता प्रसन्न हो गया खरणी मित्र सूत्र सुनकर। इसके बाद बनते लोग को वो गमक नहीं, हर जगह धमकता है। पिंडपात के लिए बनते लोग जाके आते समय स्नान करने के लिए पानी भरा हुआ है, सुबह उठ के बाहर आने के बाद झाड़ू मार के सब तैयार है, रास्ता तैयार है, सारी सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है, हर जगह खुशबू, हर जगह धमकता है। तब बनते लोगों का मन में आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई तकलीफ नहीं है। तो बनते लोगों ने उसी माई खरणी में सूत्र का गुण को अपना करके उसी जंगल में ही ज्ञान प्राप्त किए थे, हमेशा उसी जंगल में रह गए देवताओं बहुत पुण्य की सेवा करके। तो ये खरणी में सूत्र हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लंबा सी नहीं, करणीय मतलब करना चाहिए, मित्र मतलब मैत्री, मैत्री करना चाहिए, मैत्री करने के बारे में बताया गया सूत्र। अभी इसमें से एक चीज समझ में आता है, मैत्री करने से देवताओं प्रसन्न होता है, तथा मैत्री करने से कोई तकलीफ भी नहीं कर पाता है ना, मैत्री करने से किसी को परेशान भी नहीं कर सकता है, इतना मैत्री बहुत पावर है, बहुत बड़ा कुशल की एक पॉइंट से मैत्री। इसीलिए मैत्री विचार से रहेंगे तो कब तिथन चरण निशिन्नो तिथन, ठहरते समय चरण, आते जाते समय निशिन्नोवा, बैठते समय सायानोवा, सोते समय यावत अस्विगत मिंदु, जैसा जैसा आचरण करते उसी प्रकार ये मैत्री विचार करेंगे तो उसको कहता है यावत अस्विगत मिंदु एतं ब्रह्म मेता विहार अंगिदमा, यह ब्रह्म विहार, मेता करना उदिता उत्पेक्षा ब्रह्म विहार है ना, यही है ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार क्या है, खड़ा होते समय, आते जाते समय, बैठते समय, सोते समय, या कोई भी आचरण करते समय मैत्री विचार करते रहेंगे तो कैसे मैत्री विचार, सुखी हो, सभी लोग सुखी हो है मैत्री विचार करते रहेंगे तो वो ब्रह्म विहार है। लेकिन खाली में सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया निर्वाण के लिए जो टारगेट करके रहता है उन लोग कैसे रहना पड़ेगा, विमुक्ति के लिए लोग टारगेट करके रहता है ना, उन लोग कैसे जीवन बिताना चाहिए, उन लोग कौन सा गुण अपनाना चाहिए, ये गुण धर्म इसमें है, थोड़ा सा गुण धर्म सीख लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मैत्री करने से कोई तकलीफ नहीं करता है, देखिए 11 फल मिलता है ना मैत्री का, पहला क्या है, अच्छा से नींद आता है, इसके बाद अच्छा से उठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, इसके बाद स्वप्न में धरावना खतरा स्वप्न दिखता नहीं है, काफी स्वप्न, इसके बाद सारे मानव को प्रिय प्रेमी बन जाता है, सबको अच्छा लगता है,
अमनुष्यों को भी प्रिय होता है मैत्री करेंगे तो, जो मानव नहीं है उन लोग को भी प्रिय रखता है। देवता रक्षन्ति, देवताओं सुरक्षा करते हैं जो मैत्री करता है वो लोगों को। नास आग्निवा सत्तांग अथोटं कमति, आग से औजार से जहर से कोई परेशान नहीं होता है, यानी कि शरीर जलता नहीं और जहर चढ़ता नहीं शरीर में और औजार से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन मैत्री समाधि चाहिए, कब? तीर्थन चरण निशिन्नो सयानो यावता स्वीकृत बिंदु। हाँ हाँ, हर पल में मैत्री विचार में रहना चाहिए। आज नहीं रह गया तब मैत्री समाधि चाहिए, मैत्री ध्यान करते समय कम से कम। तब सामा, सामा का कहानी जानते हैं ना, सामा को माँ गंदिया क्या किया, डाल दिया खोलने वाले थे, गिरा दिया पूरा शरीर में, पानी जैसा सब चला गया, एक बूंदा नहीं जला। क्यों? सामा को मैत्री समाधि है। देखिए मैत्री समाधि का फल, तो हम लोग कोई छोटी मोटी काम कर रहा है इधर बैठ के, कितना हर फल में पुण्य मिल रहा है, वो भी अनगिनत पुण्य मिलते रहता है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, करने वाले कार्य से एक महीना करेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आज कल खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक उसमें और भगवान बुद्ध ने बताया, मुखवानो विपसेदति, यानी कि शरीर सुंदर होता है, सुंदर होता है मतलब गोरा होने के बारे में नहीं, सुंदर होता है मतलब देखिए किसी को गुस्सा आ गया तो गुस्सा आते समय चेहरा कैसा है, बहुत खराब लगता है ना, दुख से रहते समय चेहरा कैसा है, खराब लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, टेंशन में रहते समय चेहरा खराब लगता है। लेकिन खुश नसीब में रहते समय हम हर पल मुस्कुरावट में रह गया तो हर पल चेहरा कुछ खूबसूरत है ना, वही होता है मैत्री से, हमेशा सिर्फ खुशी ही उत्पन्न होता है, हमेशा खुशी उत्पन्न होता है मैत्री से, इसीलिए मुखान विपसेति बताए। इसके बाद मन जल्दी शांत होता है मैत्री समाधि से, मैत्री से मन जल्दी एकाग्र होता है मैत्री से। इसके बाद उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, मारते समय तक होश उड़ेगा नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, नहीं तो नॉर्मली लोग बूढ़ा होते होते सारे होश उड़ जाता है। देखिए बूढ़े लोगों के पास मर्द का हिम्मत नहीं है ना, मर्द के सामने में कैसे, देखिए मर्द लोग औरत लोग कितना तकलीफ करता है ना, फोन करते के अपना बच्चे लोग को कितना तकलीफ करता है, कितना तंग करता है, कितना डरता है, कितना हिम्मत है, लेकिन उन लोग बूढ़ा होते होते बच्चों से डरता है, यानी कि कमजोर होता है उन लोग का मन। क्यों? एक बूंदा मैत्री उन लोग का मन पास नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया जो मैत्री विचार में रहते उन लोग बूढ़ा होते होते और मजबूत होता है, होश उड़ता नहीं है। इसके बाद ऐसा हो के असमूल्य कालंकर होती, बिना होश उड़ के ही उसका मृत्यु होता है, होश में ही उसका मृत्यु होता है, फिर मरने के बाद ब्रह्मलोक उपगो होती, ब्रह्मलोक में जन्म लेते अगर यह ज्ञान प्राप्त नहीं किए तो। ये 11 फल मिलता है, इसमें बताया असुर लोगों को प्रिय होता है। कभी कभी होता है पिछले जन्म जन्म का दुश्मन हम लोग का पीछे पीछे आते हैं, उन लोग क्या करते हैं, शायद हम लोग मनुष्य लोक में आते समय उन लोग असुर है, कौन पिछले जन्म जन्म का मेरा दुश्मन, वो असुर जन्म में जाके हमको हमेशा हमको देखते रहते हैं, कहां जा रहे, क्या कर रहे हैं, हाँ तुम ध्यान करता है। देखो मैत्री करेगा तब भी वो छोड़ेगा नहीं, क्यों? वो पुरानी दुश्मन है। ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा सोच के बताइए, मैत्री करेगा तो उन लोग हटेगा नहीं, फिर भी आएगा, तंग करेगा, पुरानी दुश्मन है। अगर ऐसा हो गया तो दुश्मन है कि नहीं आप लोग का पिछले जन्म जन्म का, कितना होगा ना। ऐसे लोगों को करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध को बताए वाइसरॉय देवराज,
कुबेर देवराज ब्रिजकूट के ऊपर आकर के चार महान देवता भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध जी आपका शिष्य लोग अकेले रहते हैं, उपासक उपासिका लोग भिक्षु भिक्षुनी लोग अकेले निवास करते हैं, अगर कोई असुर प्रेत कोई तंग करेगा तो ये आठ अनाटी सूत्र याद करने के लिए बताया अपना आपके शिष्य लोगों को। क्यों ऐसे बताते हैं? वो चार महान देवता भी भगवान बुद्ध के शरण में है। आठ अनाटी सूत्र याद करके रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए वो सब है ना उसमें, अगर फिर भी नहीं सुनेगा तो जोर से बताने के लिए बताया, आयं याको हिंसति आयं याको विहिंसति, ये हमको ये असुर हमको बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है, आयं याको न मुंचति, हमको छोड़ता नहीं है, ऐसा करके बोलने के लिए बताया। किन को? इंदो सोमो वरुणो च भारद्वाज प्रजापति सेनापति देवता, उसके लिए हाँ उसके लिए क्या करना है। तो ऐसा होता है, और एक बात याद रखी, मैत्री का बल भगवान बुद्ध ने बताया खांद परित्यं, खांद परित्यं विरूपाक्षी में मित्तं मित्तं एरापतिं, ये विरूपाक्षी मित्तं मतलब उसे मैत्री के बारे में, सारे लोग को मैत्री करता है, वैसा मैत्री करने से सांप कुत्ता जानवर कभी काटता नहीं है। मिस्टेक से उसका दांत लग गया उसका विष चढ़ता नहीं है शरीर में, इसीलिए खांद परित्य भी बहुत अच्छा है। खांद परित्य का अर्थ समझ की करने के लिए देखिए, अभी मंत्र कहाँ है, भगवान बुद्ध की आशीर्वाद कहाँ है ना, मंत्र का मीनिंग निकाल दिया तो आपका शक्ति ले कि इसको काट दो मार दो पीट दो इसको बंधन कर दो ऐसा करके बहुत डरावना है। भगवान बुद्ध की आशीर्वाद है कि दूसरों को बल तोड़ने वाले मैत्री, विरूपाक्षे हिमे मित्तं मित्तं एरापतिं हिमे, ऐसा बोलने से विष खत्म होता है। कोई देखिए उधर रास्ता पे जाते समय आपको डर लगता है कोई जानवर आके काटेगा, विरूपाक्षे मित्तं बोलते बोलते गया तो खत्म, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम सांदित्य का पाल है। तो ऐसा मैत्री से बहुत आशीर्वाद होता है, बहुत फल मिलता है। तो हम लोग कारिणीमित्त सूत्र के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। पहला गाथा क्या है? कारिणीमित्त कुशलेन यांतं शांतं पदं अभिशमेच्च, इसका मतलब क्या है? यांतं शांतं पदं, शांत पद, शांत पद, पद मतलब निर्वाण कहता है, शांत पद किसको कहता है? निर्वाण को। निर्वाण के लिए जो प्रयास करता है उन लोग कैसे मैत्री करना चाहिए? जो निर्वाण के लिए मेहनत करता है वो चतुर होना चाहिए, ये गुण को अपनाने के लिए। एक एक याद रखिए, हर एक नोट कर लीजिए अपना दिमाग, कभी भूलना नहीं चाहिए, फिर हम लोग ये बोलेगा नहीं, बोल नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी हम दो तीन बार करने में सूत्र कर चुके हैं, इस फाइनल टाइम है, फिर नहीं करेंगे। पहला है सक्को, सक्को जो सोचो तुम्हें, सक्को, सक्को मतलब वो तेज होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, हमें कर सकता है ऐसा पूरा भरोसा होना चाहिए। पहला कारण, पहला गुण क्या है? गुणधर्म सक्को, सक्को मतलब उनका मन में आता है सकता है, हम ये कर सकता है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। किसके बारे में? निर्वाण के बारे में, मन की गंदगी को मिटाने के बारे में सबसे पहले भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, वो सक्को। दूसरा उजूच, उजूच मतलब रिजु होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सीधा आजकल सीधा कहता है किसको? वो आदमी सीधा है, यानी कि जो कोई सीधा बात करेगा तो उसको सीधा कहता है ना। देखिए इसमें सीधा क्या कहता है, सीधा कहा जाता है
जो शरीर से पाप नहीं करता है, जो वाणी से पाप नहीं करते, वो सीधा आदमी है। यानी कि कौन है वो? सील सुरक्षा करने वाले। इसका मतलब सीधा का मतलब जो बिना घर के गमांड से रहता वो नहीं। सीधा मतलब क्या है? शरीर से तथा वाणी से पाप करना छोड़ देता है, यानी कि वो सील को सुरक्षा करते हैं, वो सीधा है। ऐसा दूसरा का दूसरा गुण क्या है? उजूच मतलब सी उजू पाटी पान भगवतो सावक संगो, सीधा मार्ग पे आया है, सील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो समझ गया ना? दूसरा, पहला सकता है यानी सको, यानी कि हम ये कर सकते हैं, फेल होने का डाउट नहीं रखना चाहिए। हमसे ध्यान होगा, हम कर पाएगा, हमसे गंदगी मिट जाएगा, कभी मिटेगा ऐसा गंदगी, हम इस मार्ग पे सफल हो पाएगा, ऐसा डाउट नहीं। हम कर सकते हैं, कुछ कुछ कमजोरी है लेकिन कर सकते हैं। दूसरा उजू रुजू, तीसरा है सुजूचर, छ मतलब तथा, सुजू सुजूच मतलब बहुत ही ईमानदार है। बहुत ईमानदार है, थोड़ा मोड़ा ईमानदार नहीं, बहुत ईमानदार है। वो किसी से ईमानदार होता है? वो शरीर से ईमानदार है, वाणी से ईमानदार है, मन से ईमानदार है। ईमानदार मतलब कभी धोखा देता नहीं है, अवंक है, वंक नहीं। अवंक जानते हैं ना? वंक मतलब ठेड़ा आदमी, विश्वास नहीं कर सकता है। अवंक मतलब पूछेगा तो सच बोलता है, छुपावट नहीं है उनके पास, खुला दिल है कल्याण मित्र के साथ, वो है सुजू। सुजूच मतलब क्या है? ईमानदारी। सुजूच मतलब अवंक, अवंक मतलब शरीर से, मन से, वाणी से वो ईमानदार है, यानी कि वो भी सीलवान है। तथा सुचो, अभी चौथा गुण सुचो, सुच मतलब आज्ञाकारी। सुच का उल्टा दुर्वच, दुर्वच मतलब अनाज्ञाकारी, बात मानता ही नहीं है। कौन ये कौन है? निर्वाण की रास्ता पे जाने वाली बुद्धिमान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो रहना चाहिए वो गुणधर्म, ये ही गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है? सबको। दूसरा गुणधर्म क्या है? उजूच सीधा है। तीसरा गुणधर्म क्या है? सुजूच, इसका मतलब ईमानदार है, अवंक है। चौथा क्या है? सुवचो, सुवच, सुवच मतलब आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी मतलब जो बोलता है वो मानता है। गुरु बनते जी हम लोगों को सबसे पहले एक उपदेश देते हैं आश्रम में आने के बाद, चीवर पहनने के बाद तुरंत देता है ये उपदेश। सोचिए आज चीवर पहन लिया, तुरंत ये उपदेश देते हैं, दो शब्द। पहला आज्ञाकारी होना है, स्वच्छ होना चाहिए। पहला क्या है? स्वच्छ। स्वच्छ होने के लिए गुरुमंत्र जी बताते, उसके लिए गुरुमंत्र जी एक उदाहरण दिए थे, हमको याद है। अगर कल्याण मित्र गुरु बताएगा तो जब झुको, झुकना चाहिए। किसी लिए हमारा चीवर धोना है तुम्हारा पीठ पे रख के जी, वो है सोच। कल्याण मित्र का भी उसको मारेगा तो नहीं, सुधारेगा ना, इसीलिए सोच। और एक गुण है, पांचवा गुण है ना,
हाँ चौथा गुण सोच, सोच समझ गया, निर्वाण की रास्ता पे जाना चाहेंगे तो छोटा गुण है उनके पास रहना चाहे आज्ञाकारी। हम लोग को याद गुरु बनते जी आखिर के अगर हम लोग डांटते समय हम लोग हाथ जोड़ने की जीत कहते हैं। हम अगर गलती नहीं करेगा तब भी सोचे हम गलती नहीं किया फिर भी हमको डांट रहे हैं, हम मानते हैं क्यों, उसी से हमको फायदा है ताकि हम भविष्य में हमसे अभी गलती नहीं हुआ, गुरुबंते जानते नहीं मुझसे गलती नहीं हुआ, गुरुबंत सोचते हमसे गलती हो गया लेकिन मेरा कल्याण के लिए वो डांटते हैं, इसीलिए हम मुंह लगाना जरूरत नहीं, हम सुनेंगे। वो है सूरज। हम लोग का आश्रम में 800 से ज्यादा जवान बनते लोग सब पढ़ाई लिखाई सब जवान है, कोई नहीं गुरुबंते जिसे मुंह लगाता। इसीलिए उन लोग धर्म के रास्ता पे आगे बढ़ता है। देखिए कितना खूबसूरत है ना। इसके बाद सोचोचस मुदु, मुदु मतलब क्या है, मुलायम होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, उसका दिल पत्थर जैसा कहता है ना वो नहीं होना चाहिए, दूसरों का दुख देखने के बाद दिल पिघलना चाहिए, करुणा उत्पन्न होना चाहिए, दयानुकंपा उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम लोग के पास क्या है, पत्थर दिल है। अगर आप लोग कारुणिक मन से अपना माँ एवं पिताजी को कहेंगे तो माँ पिताजी ऐसा है ये ऐसा ऐसा परेशान है तो उन लोग को दिल पिघलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे नहीं होते, नहीं तुम ऐसे करना पड़ेगा पड़ेगा, यानी पत्थर का दिल है उन लोग के पास, नहीं मुदु नहीं है। मुदु मतलब मुलायम सॉफ्ट दिल नहीं है। इसका मतलब भगवान बुद्ध ने बताया निर्वाण की रास्ता पे जाने वाले व्यक्ति को चाहिए कौन सा दिल, मुलायम दिल चाहिए, सॉफ्ट दिल चाहिए, तब निर्वाण की रास्ता पे जा सकता है। आप देखिए निर्वाण की रास्ता पे जाने वाले लोग कितना सुंदर होगा, कितना खूबसूरत होगा। पंडित लोग जैसा नहीं है, मतलब हम देखे इधर पंडित लोग का बात जोर से दबाव दे के बात करता है, उन लोग का बात सुनने वाला जी पंडित जी क्या कह रहे, ऐसे वो होता है ना। उसी प्रकार यहाँ कोई कोई बांधते लोग भी बात करता है जोर से ऐसे करके, कोई सॉफ्ट है ही नहीं है। जरा हम लोग का आश्रम में जाके देखे श्रीलंका में ब्यूटीफुल, कोई भी बनते के साथ बात करेंगे तो दिल ठंडा होता है, इतना सॉफ्ट है उन लोग का बात, बहुत सॉफ्ट। अभी आपको समझ में आ गया पंच मागुन क्या है, मुदु, मुदु मतलब मुलायम सॉफ्ट दिल चाहिए, दूसरों को दुख देखने के बाद पिघलना चाहिए, करुणा दयानुकंपा उत्पन्न होना चाहिए, पत्थर जैसा कठोर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसमें और एक है अनति मानी, मानी मतलब घमंडी, अनति मानी मतलब बिना घमंड होना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में भारत के लोग ये सारे गुण धर्म अपना लिया, अपना तो लोग जल्दी जल्दी विमुक्ति के रास्ता पे चले गए, इसलिए पूरे भारत के स्वर्ण युग खत्म हो चुका है। स्वर्ण युग कब था भारत का, जब भगवान बुद्ध थे तब। देखिए भगवान बुद्ध की ज्ञान ये है, अब बदलाव लो, असाधारण के सामने खड़ा हो, तुमको असाधारण हो गया छोड़ मत, ऐसा नहीं, असाधारण हो गया तब भी मैत्री करने के लिए बताया। हमेशा हम लोग सोचते हैं हमसे किसी को असाधारण हो गया था तो चलेगा, लेकिन मुझ पे असाधारण नहीं होना चाहिए, बिना गलत किए मुझे दोष कोई नहीं लगाना चाहिए, गुस्सा आता है। लेकिन ऐसे ही दुनिया में होता है, कभी दुनिया में साधारण कहीं नहीं होता है, कोई भी देश में नहीं होता है वर्तमान युग में, तो हम लोग कहाँ से साधारण आशा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग याद रखना चाहिए भविष्य में मुझ पे भी असाधारण ही हो जाएगा, उस समय हम सहनशीलता से रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे कि ये है संसार,
ये है संसार के लोग। ऐसे भगवान बुद्ध ने बताया रहने के लिए, उसके लिए चाहिए बिना घमंड वाले मन। फिर ऐसा खूबसूरत स्वर्ण युग भारत भारत पे आ जाएगा कब? मैत्री भगवान बुद्ध के समय। आप कभी नेवर भगवान बुद्ध की ये गुण फैल जाएगा। सोचिए आप लोग गांव के लोग ये गुण अपनाएगा नहीं अपनाएगा? हम लोग क्यों गांव गांव प्रवचन के लिए जाते हैं? धर्म समझाने के लिए नहीं। कम से कम अगर एक आदमी संकल्प लिया तो हम प्राणियों का हत्या करना छोड़ देंगे, बहुत काफी है। चोर करेगा, गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, नशा करेगा, चलेगा, लेकिन एक भी कम से कम छोड़ दिया ना, उतना काफी। इसीलिए हम लोग जाते हैं गांव गांव के एक छोटा सा फायदा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये गुण धर्म अपनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? उन लोगों को विमुक्ति का जरूरत नहीं है। उन लोग चाहिए आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कैसे जीवन बिताएंगे, क्या पहनेंगे, घर कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे। इसके अलावा उन लोग को चाहिए कुछ हम लोग को टेंशन परेशानी है तो एक पूजा प्लेट ले लिया, गया मंदिर में, चढ़ा दिया, भगवान को बता दिया, आ गए। उससे आगे कुछ नहीं चाहिए वर्तमान लोगों को। लेकिन विमुक्ति के रास्ता पे जो कोई जाना चाहेंगे तो ये गुणधर्म चाहिए। क्या है? मुलायम होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट दिल होना चाहिए और बिना घमंड होना चाहिए। घमंड दिखाने गएगा जाने वाले लोगों को, धर्म की रास्ता पे आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरा, दूसरों का गलती को देखने के लिए जो कोशिश करता है कभी नहीं आगे बढ़ता है धर्म से। अगर आप और किसी का गलती देखेगा तो आप धर्म की रास्ता पे एक कदम नहीं आगे बढ़ता है। इसीलिए याद रखिए, हम लोग से होता है कभी कभी, हमेशा ख्याल रखना चाहिए हम किसी का गलती नहीं देखेंगे। गलती देख लिया था भी छोड़, हमसे हमको क्या जरूरत। ऐसे करे कि गुण ही देखना चाहिए दूसरों को, तब आगे बढ़ सकता है। इसके बाद और दूसरी गाथा, संतुष्ट कोच सुभरोच अपकिच्चोच सालोक उत्ति शांतिन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेशु अननुगिद्धो। उसमें संतुष्ट को मतलब संतुष्ट होना चाहिए। सुंदर है ना? संतुष्ट होना चाहिए, जो कुछ वस्त्र मिलता है अपना पास, जो कुछ वस्त्र है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अपना अपने लिए जो कुछ खाने के लिए मिलता है, पीने के लिए चापाकल का या पोखर का गंदा पानी मिलता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अपने रहने के लिए एक झोपड़ी है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अपने लिए एसी नहीं है लेकिन एक पंखा है, वो ऐसे करेगा तो एसी एक लग गया तो अच्छा है, संतुष्टि है। कभी धर्म की रास्ता पे नहीं बढ़ सकते। क्यों? लोभी है, बहुत भरा हुआ आशा है, उसका मन बहुत वजन है, हल्का नहीं। संतुष्ट वाले लोगों का मन बहुत हल्का है, जो कुछ खाने के लिए मिलता है उससे खुश हो जाते हैं, थोड़ा जगह भी अगर मिल गया तो रहने के उससे खुश हो जाते हैं, और जो कुछ हफड़ा है तो खुश हो जाता है, मेरे पास ये है। इसलिए संतुष्टि होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया संतुष्टि परमान धनं, सबसे उत्तम धन क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि मतलब जो कुछ मिल जाता है उससे खुश होना। आप लोग ऐसा अभी तक नहीं लेकिन अभी से शुरू कर लीजिए, संतुष्ट होना चाहिए। सोचिए आप लोगों को आज दूध का चाय नहीं मिला, आप लोग ब्लैक टी मिला, खुशी मन से लेकर पीना चाहिए, संतुष्टि है। आज कल आप लोगों को मिला यहाँ आने का अच्छा चटाई बैठने के लिए, आज आप लोग नीचे बैठ पाया, संतुष्ट होना चाहिए। तो घर में भी वैसे ही है, घर में कभी कभी आप लोगों का कमी बहुत हो जाएगा, उसे संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होगा तो वो एक गुण धर्म है, धर्म की रास्ता पे, ज्ञान की रास्ता पे जाने वाले लोगों को। संतुष्ट होने वाले लोग दूसरों से लड़ाई करेगा। भारत के गृहस्थ लोगों के पास ये गुण धर्म था भगवान बुद्ध के समय में, देखिए कितना सुंदर था उस समय भारत। इसके बाद कभी 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 ऐसे होता है,
आप लोग आश्रम में आने के बाद आप लोगों को कुछ खाना देते हैं खाने के लिए। आप लोग खाते समय उसमें एक बाल मिला या तो फिर उसमें पत्थर मिला, नाराज हो गया तो ये कैसे बनाते हैं, बाल भी इस पे हैं, संतुष्ट नहीं है ना। सोचना चाहिए इन लोग जो खाना बनाया है उन लोग बहुत मेहनत करके खाना बनाया है, बहुत प्रयास किया खाना बनाने के लिए, हम उन लोग का मेहनत पे इज्जत करके एक बाल हम हटा देंगे, जहर तो नहीं हम लोग का शरीर में भी है बाल, ये पत्थर हम हटा देंगे, हटा के हम आराम से भोजन करेंगे। ऐसे करके संतुष्ट होना चाहिए हर एक चीज में, हम शॉर्ट करके बताते टाइम नहीं, इसलिए संतुष्ट हम समझ में आ गया, संतुष्ट को चल कौन संतुष्ट होना चाहिए, विक्रम जाके देखिए जो निर्वाण की रास्ते पे जाता है वो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को बीमार आता है, बीमार आने के बाद घमंड वाले लोग क्या करता है, बड़ा बड़ा आदमी से मिलने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा अस्पताल में जाके फिजूल खर्च करता है पैसा, वो नहीं आज जाकर कि शिव शंकर ने जाके बताया तो मिलता है एक टैबलेट वो पीने का सब ठीक, कितना रुपया का है, 2.5 रुपया का है, इधर उधर जाके 500 रुपया डॉक्टर को देना है, इसके बाद दवाई के लिए 1000 रुपया देना है, इसका ताल के बताते हैं हम अपना बेटा को दिखाए कहा गया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा के लाए, इतना खर्च लिया है, बहुत पैसा फी लेता है कि अच्छा डॉक्टर है ना, वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट वाले लोग क्या करता है, बीमार बुखार आ गया तो तुरंत अस्पताल याद नहीं आता है, बुखार आ गया तो अपने से जड़ी बूटी का दवा या तो फिर अपने से क्या कर सकता है, बुखार आ गया तो अपने से ठीक कराने के लिए कोशिश करते है, बुखार पेट दर्द सर्दी पेट का दर्द पैर पैर का जोड़ों का दर्द सिर दर्द वगैरह बीमार आ गया तो अपने से इलाज करके ठीक करवाता है, दौड़ता नहीं इधर उधर, संतुष्ट वो भी संतुष्ट है। इसके बाद और एक गुण है सुभर रोचक, सुभर मतलब अच्छी तरह पोषण होना चाहिए, आसानी से पोषण होना चाहिए, आसानी से पोषण होने वाला बनना चाहिए, क्या है आसानी से पोषण होने वाला बनना चाहिए। आसानी से पोषण होने वाला मतलब क्या है, वो भी संतुष्टि है, जो कुछ खाना मिल गया तो इसमें विटामिन कम है कैल्शियम कम है कैसे चलेगा, हम तो दुबला पतला हो जाएगा ये खाते रहेगा तो, ऐसा नहीं, वो कहीं भी जाएगा तब भी उसको रह सकता है, वैसा व्यक्ति बनना चाहिए। सोचिए दिल्ली जाएगा तब भी उसको आराम से वहां रह सकता है, अगर वो पाकिस्तान गया तब भी उसी प्रकार रह सकता है, पुराना कहावत है ना चमगादड़ का घर में गया तो लटक के रहना पड़ता है ना, तो पुराना कहावत है, क्यों दूसरा जगह जाके अपना मर्जी से रह सकता है क्या, नहीं, आप लोग यहाँ के घर जैसे रह सकते हैं नहीं, यहाँ आने का आश्रम का जैसे रहना पड़ता है, दोस्त के घर गया तो उसी प्रकार रहना पड़ता है, फिर और कहीं गया तो उसी प्रकार रहना चाहिए, वैसा रहने का हिम्मत आता है सुभर है तो, सुभर मतलब जहाँ जाके कुछ मिलता है उसे संतुष्ट हो जाता है। सोचिए आप कहीं दूर गया दोस्त के घर, सुबह नाश्ता नहीं मिला, चुप रह गया, भूखे रह गया तो मारेगा तो नहीं, बर्दाश्त करके रह गया, फिर दोस्त भी अपसेट कि भोजन नहीं दे पाया, लेकिन ये कुछ बोला भी नहीं, इसलिए इसके चलते दोस्त को परेशान भी नहीं, दिन में भोजन थोड़ा मिला खा लिया आ गया, कोई टेंशन नहीं उठाता है आके, नहीं कोई कोई लोग ऐसा नहीं सुबह नहीं है ना, उन लोग बोलते बेकार वहां गया, क्या हुआ नाश्ता नहीं दिया खाने का नहीं मिला घटिया, नहीं गया नहीं जाएगा तो, अगर नहीं जा बिना जाके रुक गया तो अच्छा है, मेरा पाप का कर्म था इसीलिए हमको जाना पड़ा,
ऐसे करके बोलता है ना, वो सुभर नहीं है। सुभर जो होता है आसानी से पोषण हो जाता है, जो कुछ मिलता है कपड़ा संगत, या आप लोग भविष्य में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाएंगे पटना जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा छोटा रूम, उसमें भी 5-6 लड़का, उन लोग भी अलग अलग प्रकार के, पता नहीं कैसा कैसा लोग मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार है, लेकिन सुभर चाहिए। विमुक्ति के लिए कोशिश करने वाले को सुभर क्यों चाहिए? विमुक्ति के लिए हमको एसी रूम चाहिए, हमको एकदम सुंदर जंगल चाहिए, नदी नदी चाहिए, नदी में पानी भी चाहिए, झरना का आवाज भी होना चाहिए, ये सा नहीं। कम से कम हमको छोटा शमशान घाट भी चलेगा, थोड़ा ध्यान करने के लिए शमशान घाट के पास कोई पेड़ है तो वो भी अच्छा है, वो सुभर है। भगवान बुद्ध के समय में बांते लोग ऐसे थे, गृहस्थ लोग ऐसे थे, इसीलिए गृहस्थ लोग की जरूरत नहीं था, नया साइंटिफिक चीज बनाना कोई जरूरत नहीं था, नहीं तो उस समय लोग इतना दिमाग था, टीवी मोबाइल कंप्यूटर सब बना सकता था, क्यों नहीं बनाया, जरूरत नहीं था। जो कुछ मिला उससे खुश हो गया, आराम से जीवन बिताया, आराम से मर गया। वर्तमान के लोगों की इतना फैसिलिटीज है, आसानी से जीवन बिताता भी नहीं, दुख से जीवन बिताते, दुख से मर जाते हैं, क्यों? सुभर नहीं वर्तमान के लोग, आसानी से पोषण कोई नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध के साथ बांते लोग जा रहे थे दूसरा जगह पे, राहुल बांते जी भी आ गए। राहुल बांते जी कौन है? सिद्धार्थ गौतम का पुत्र, यानी कि भगवान बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ का पुत्र था राहुल, 7 साल का बच्चा साथ में आ रहा था। आने के बाद ये छोटा छोटा बच्चा बांते जी ने क्या किया, सारे लोगों को कुटिया दे दिया, जल्दी जल्दी जाके सारे पुत्र बांते जी को अच्छा कुटिया, भगवान बुद्ध के लिए अच्छा कुटिया, मोगान बांते जी के अच्छा कुटिया, ऐसे करके कुटिया देने के बाद कुटिया खत्म, रहने का जगह नहीं। सुबह हो गया, भगवान बुद्ध टॉयलेट के पास था, आदमी का टॉयलेट का दरवाजा बंद है, भगवान बुद्ध किया अंदर से करने लगा, कौन? तथागत में राहुल। हाँ राहुल, कि सोने का जगह नहीं मिला? नहीं तथागत, हमको ये हम टॉयलेट का कोना पे सो गए। देखिए कौन है वो? चक्रवर्ती राजा का बेटा। फिर चक्रवर्ती राजा सिद्धार्थ गौतम चक्रवर्ती राजा बनने के बाद नेक्स्ट चक्रवर्ती राजा बनने वाला, दुनिया में खूबसूरत सबसे सुंदर राजकुमारी का बेटा यशोधरा का, वो भी कौन, किन का? बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध के पुत्र। कहां सोया? टॉयलेट के कौन आते? वर्तमान कैसा है? कहीं जाने का अगर खराब जगह मिल गया तो अयो हमको मिला ऐसा बहुत खराब गाली देते आएगा। एक बार हम लोग दिल्ली जाके आते समय है ना, हम लोग को टॉयलेट के पास आना पड़ा, यहाँ आने तक वो भी खड़े खड़े, एक भी इंडियन आदमी हम लोग को जाने का जगह नहीं दिया है, तो हम लोग टॉयलेट के पास बैग रख दिया, हम लोग पैसा दिया था टिकट बनाने के लिए, हम लोग को धोखा दिया दिल्ली के, धोखा दिया हम लोग को, डुप्लीकेट टिकट दे दिया, वैसा टिकट है ही नहीं, हम लोग फंस गए, आखिरी रहने का जगह नहीं। तो जनरल में वो भी गंद, जनरल का टॉयलेट कैसे पता है ना, पूरा गमकता है टॉयलेट के किनारे बैठ के। हम लोग का आगे 23 घंटा ना, 21 या 22 घंटा आ गया दिल्ली से यहाँ तक, बैठने का कोई जगह नहीं दिया, संतों की इज्जत नहीं करता है ना भारत में। एक तरफ से खुशी है, हम लोग उसे खुश हुआ है, खुशी मन से हम लोग का कोई टेंशन नहीं था, हम लोग किसी को डांटे नहीं है ना, किसी को नहीं डांटे हम लोग, उन लोग कैसा है ठीक है चलो ठीक है, उन लोग खुश है उसमें, हम लोग इसमें खुश है, ऐसे करके हम लोग आए। लेकिन उससे भी अच्छा होना चाहिए सुभर, सुभर मतलब अच्छी तरह से जो कुछ मिलता है उससे खुश होना चाहिए। इसके बाद अपकिच्च मतलब अल्प कृत्य होना चाहिए, अल्प मतलब थोड़ा, कृत्य मतलब काम, काम भरा के नहीं रहना चाहिए,
इसमें आप लोग मिस्टेक मत कर लीजिए, बहुत काम नहीं करने के बारे में नहीं, बहुत काम कर सकता है लेकिन मैनेज करके। जैसे मैं आप लोग स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कितने जाना है, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, बहुत सारे काम है ना, आप लोग का कोई मैनेज नहीं है तो पूरा गड़बड़ है ना। फिर होम बनाना बाकी हो गया, ध्यान करना बाकी हो गया, मैं खाना भी बनाना है, सब मिक्स हो गया, प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब आप लोग क्या हो गया, बहुत किच्चे हो गया, बहुत काम भर गया, कोई बहुत टेंशन है, शांति एकदम नहीं है। बहुत काम भी अगर करेंगे तो एक सिस्टम से करिए। एग्जांपल, आप लोग का घर पे चम्मच रखने का जगह होता है, हमेशा वो चम्मच उसी जगह पर रख दिया तो, चाकू रखने का जगह होता है उसी जगह पे चाकू रख दिया तो, कपड़ा टांगने का जगह पे कपड़ा टांग दिया तो, किताब रखने का जगह पे सिर्फ किताब रख दिया तो, चप्पल रखने का जगह पे चप्पल रख दिया तो, और उठने के बाद अपना कंबल मोड़ के कंबल रखने का जगह पे कंबल रख दिया तो कुछ काम रहेगा नहीं। क्या होता है, चाकू से काट दिया वही डाल दिया, कैंची से काट दिया दो जगह डाल दिया, फिर दिमाग नोचता है कहाँ डाल दिया, कहाँ गया ये कैंची, पता नहीं किसको पागल कैंची कहाँ कहाँ फेंका दिया। देखो पेन नहीं है, कितना पेन ला के रखना पड़ेगा, एक भी पेन नहीं है, क्यों, सही जगह पे रखता नहीं है। वो बहुकिच्चे हो गया। अपकिच्चे मतलब एकदम मैनेजिंग है, मैनेजिंग मतलब सही जगह पे सामान रखता है और अपना काम वन बाय वन आराम से करते आता है, सुबह से लेकर के रात तक एक टाइम टेबल जैसा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा आपका काम आराम से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन मैनेजिंग करके आ गया तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो गड़बड़। किताब भी पढ़ना है, वो भी करना है, ये भी करना, वो भी करना, सब कुछ नहीं हुआ, फिर पागल जैसा। नहीं तो और क्या करता है, आश्रम का बच्चा के पास में भी एक गलती है, नहाता है आराम से, नहा के नया कपड़ा पहनता है, पुराना कपड़ा एक जगह कोना पे, सैटरडे धोएंगे या संडे धोएंगे, ऐसे करके आते हो इतना कपड़ा भरा हुआ है, भराने का टेंशन ना भी, वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, फिर धोते समय अब तो कपड़ा नहीं पहनेंगे हम, निगाह डुपोसत लेंगे या तो फिर हम एक कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, बहुत टेंशन। अगर नहाते समय 5 मिनट का काम, वो कपड़ा धो दिया तो कोई प्रॉब्लम है, टेंशन का काम। खाना खाते समय प्लेट धो दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्या, खाना बना के बर्तन वैसे ही छोड़ देता है रात में या सुबह धोने के लिए, फिर धोते समय दूसरों को डांट डांट के गुस्सा भी आता है, वैसा है खाना बनाते समय पूरा गंदा करके लास्ट में सब साफ करेंगे, ऐसा करके लोग खाना बनाते हैं तो लास्ट में पूरा गंदा है, दिमाग एकदम लगता है पागल हो गया। खाना बनाते समय साफ करके गया तो वो है आपको किचन, समझ में आ गया। अभी मैनेजिंग करना चाहिए अपना काम, मैनेजिंग करना सीख गया तो आप लोग बचपन में आप लोग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना आगे तक आप लोग चल जाएंगे। इंडियन लोग के पास मैनेजिंग बहुत कम है, गाय भी अंदर उसके अंदर दूसरा भी है, सभी लोग हैं उसके, सब कुछ एक जगह पे, घर के अंदर गया तो अंधेरा, इंडियन लोग का घर एकदम अंधेरा, भूत प्रेतों को रहने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास, प्रकाश नहीं है, गमकता है अंदर, इसके बाद अंदर गंदा भी है, गाय भी पेकाना करता है, गंदगी भूत प्रेतों को पसंद है, फिर आदमी के साथ भूत प्रेत घर पे है, हर एक घर पे होगा इंडिया में, मुश्किल से एक दो घर छोड़ के। इसीलिए मैनेज कर लीजिए, आप किच्चे कर लीजिए। इसके बाद सल्लह का उत्ती, सल्लह का उत्ती मतलब हल्का जीवन होना चाहिए, हल्का जीवन मतलब बहुत चीज मन में भर के, भविष्य प्लानिंग भरा के, भविष्य टारगेट भरा के, एकदम ऐसे रहता है क्या हो गया, उधर काम हमको कोई कैसे तो करके इंटरव्यू फर्स्ट आना है, कैसे तो करके हमको सोतापन होना है ना, ऐसे करके बहुत भरा के
टेंशन में रहते हैं, इसी हल्का होना चाहिए दिमाग, सब हटा देना चाहिए, हटा के वर्तमान में रहना चाहिए, शांति से वर्तमान में जो कुछ करते हैं अच्छे से करते रहना चाहिए, भविष्य प्रार्थना जरूरत नहीं, आराम से टाइम मानने के बाद सब हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, एक महीना बाद कुछ काम है, एक महीना बाद अभी से लेके तैयारी उसके लिए, कब है एक महीना के बाद, पूरा एक महीना टेंशन नहीं। शादी देखिए, यहाँ का शादी, अगले साल शादी है तो इसी साल से परेशान, कितना टेंशन है, छोटा मोटा काम शादी, उतना वजन उठाने का नहीं है, अच्छे से करेंगे तो। इन लोग पूरा क्यों, भारत में भगवान बुद्ध के समय में भारत का मेन लक्ष्य क्या था, विमुक्ति, विमुक्ति के बारे में हर जगह चर्चा चल रहा था, जहाँ नदी में, कुआं के पास, दुकान के पास, हर जगह विमुक्ति के बारे में, वर्तमान में शादी के बारे में, देखिए उस समय विमुक्ति अभी शादी, कितना बदल गया देश, इसलिए अभी हल्का नहीं कोई भी घर, बहुत टेंशन में। एक भी घर का व्यक्ति अगर हल्का में रह गया तो विश्वास नहीं कर सकता है, नहीं रह सकता है, इतना परेशान भरा भरा के रहता, क्यों, ये गुण कोई जानता नहीं, कैसे अपनाएंगे, हिंदू धर्म से बताता नहीं, मुस्लिम धर्म में भी नहीं, उस कोई भी धर्म है ही नहीं बताने के लिए। साल्लहुक उत्ति मतलब क्या है, हल्का जीवन, ज्यादा भारी भरा के नहीं, एकदम हल्का जीवन होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा बंधन भी नहीं, हम बताए ना, ज्यादा समान है तो ज्यादा दुख, कम समान है तो कम दुख, ज्यादा बंधन है तो ज्यादा दुख, कम बंधन है तो कम दुख, ज्यादा दोस्त है तो ज्यादा दुख, कम दोस्त है तो कम दुख, हर एक चीज में ज्यादा है तो दुख भी ज्यादा है, कम है तो दुख भी कम, इसके अंदर ज्यादा आशा इच्छाओं भरा हुआ है तो ज्यादा दुख है, कम है तो कम दुख है। अच्छे से देखिए, अगर आप लोग के पास जो कुछ है, आप इतना सामान तो नहीं आप लोग के पास, अपना सामान थोड़ा हटा के दिखाई हमेशा की बहुत हल्का लगेगा, अपना कमरा का सोने वाला पलंग भी हटा दीजिए बहुत अच्छा लगेगा, हटा ही मत लेकिन जितना त्याग करते उतना मजा आता है। इसके बाद शांति इंद्रियों, शांति इंद्रियों मतलब इंद्रिय को शांत रखना चाहिए, इंद्रिय क्या है, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, आंख से रूप देखने के बाद आसक्ति भी नहीं होना चाहिए, घृणा भी नहीं होना चाहिए, कान से सुनने के बाद भी आसक्ति घृणा नहीं, नाक से सूंघने के बाद आसक्ति घृणा नहीं, शरीर में कुछ महसूस आने का आसक्ति घृणा नहीं, मन में कुछ विचार आ गया तो उस विचार पे आसक्ति भी नहीं होना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उपेक्षा छोड़ना चाहिए, होश में रह गया तो कर सकता है, इंद्रिय शांत हो गया तो वो भी एक गुण है, हमेशा कोशिश कर सकता है ना इंद्रिय शांत करने के लिए, शांत इंद्रियों। निपकोच, निपक मतलब स्थानोचित प्रज्ञा, स्थान के अनुसार प्रज्ञा, समझ में आ गया, निपकोच मतलब क्या है, जगह के अनुसार दिमाग, जगह के अनुसार दिमाग मतलब हम पहले बताए ना, आप लोग कहीं रास्ता पे आते समय या कहीं जाते समय जानवरों को परेशान ना कर तुरंत दिमाग इस्तेमाल किया, विरूपा की मेता मेता नहीं रापते, हम लोग कभी आशीर्वाद करते हैं निपक, जगह के अनुसार दिमाग लगा के हम कहते हैं आशीर्वाद का काम है। इसके बाद आप लोग का वैसे ही जगह के अनुसार दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। अवस्था के अनुसार दिमाग इस्तेमाल करने कर लिया तो बहुत सारे कष्ट परेशान से बच सकता है, दिमाग ही इस्तेमाल करना चाहिए, हड़बड़ा की नहीं, समझ में आ गया। इसके बाद अपगभ, अपगभ मतलब आ,
अपगब मतलब वो एक होता है ना जिद्दी, जिद नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं जो सोची सोन पास है खास करके, और इन लोग के पास भी कोई कोई लोग के पास है बहुत जिद्दी है, बोलते हैं सोचिए विमुक्ति रुक जाएगा, ये हर एक गुणधर्म नहीं है तो विमुक्ति रुक जाएगा ना, एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता है। सोचिए आपको बताए काम करने के लिए, हम नहीं करेंगे, करो नहीं करेंगे, बताए ना करने के लिए, वो क्या है जिद्दी है ना, वो नहीं होना चाहिए। वैसा हो गया तो निर्वाण के रास्ता पे जाना नामुमकिन है। जवाब दो, चुप बात करो, नहीं सुना बात करो, ऐसे रहता है ना घर के मम्मी पापा पूछते समय, वो है वो नहीं होना चाहिए, वो हो गया तो वैसा जिद्दी हो गया तो प्रॉब्लम। हम लोग कौन है धर्म की रास्ता पे अभी तक, सेक है, सेक असेक दो लोग है धर्म पे, असेक मतलब सुधर हो चुका है वो अरहंत लोग है, हम लोग कौन है सेक है सुधरने वाले हैं, यानी कि हम लोग का गलतियां को पहचान पहचान कर मेरा पास क्या गलती है क्या कमी है और हम क्या अपनाना चाहिए, मेरा कमजोरी क्या है, उसको पहचान पहचान के एक एक करके हटा हटा के जाना चाहिए। इसका मतलब हम लोग से गलती नहीं होगा, गलती होगा आपसे भी, गलती होगा हमसे भी होगा, क्योंकि सेक है, लेकिन होने वाली गलती से सीख के अगर सीख गया तो अच्छा नहीं, उसको हटा हटा के जाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सीखा है ना, देखिए कितना सुंदर है ज्ञान, भारतीय लोगों के पास था ये ज्ञान। हम अभी क्या बताए अपगब्ध, अपगब्ध मतलब उसका एक सुंदर शब्द होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिद्दी समझ में आता है सबको, आ गया ना ये अपगब्ध क्या है, अपगब्ध होना चाहिए। कुलेसु अननुगिद्धो, कुलेसु अननुगिद्धो मतलब ये अपना कुल परंपरा में पूरा साटना नहीं चाहिए अपना परंपरा में, कैसे बोलता है मेरा बेटा अभी अमेरिका में है, मेरा बेटा का बेटा अभी शादी हो गया है, उस बेटा का बेटा भी अभी है, हम अभी जानता है मेरा वो होटल है ना मेरा दामाद का है, वो उधर पटना में एक होटल है ना एक संस्था, वो मेरा नानी का बेटी का है, ऐसा कह के लोग बहुत बोलता है ना, बहुत बोलते हैं हम, हाँ 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 करके सुनते हैं, बहुत लोग बोलता है उसको खुलेसो अनुगित दो, उन लोग पूरा अंदर घुस के अब पूरा फिर निकल नहीं सकता है, हम लोग समझाने गया तो गुस्सा हो जाएगा, अंदर तक घुस गया हम लोग, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। फिर बांते लोग ले लेंगे तो बांते लोग को भगवान बुद्ध ने बताया एक भी घर पर बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है ना उसी घर के लोग हमारा आश्रम में आते हैं, उसी घर के लोग बहुत अच्छा है, उसी घर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं, एक भी सारे घर बराबर होना चाहिए, हर एक परिवार बराबर होना चाहिए, बांते लोग को भी, आप लोगों के लिए भी, अपना परिवार ठीक लोग ठीक से रहता है। कभी कभी पापा अपना बेटा का बहुत भलाई करता है, कैसे मेरा बेटा जापान में है, ये 3 साल में एक बार आता है, ऐसा ऐसा काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन बेटा रोज गाली देता है पापा को, पूरा गाली देता है, वो छुपा के बोलता है मेरा बेटा जापान में है अभी, ऐसा है पैसा हमेशा भेजता है, मौको बार बार हमको बुलाता है जापान में, हम मन नहीं लगता है जापान जाने का, अच्छा नहीं देश, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहाँ जाएं इतना उम्र में
ये बात ये खत्म होने का आशा करते बेटा काबू लाएगा हमको वहां जाने के लिए, कम से कम यहां 300 छुटने के पहले एक बार जापान देख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूछता है क्या है, फोन करके हमेशा पूछता है, कहा बेटा क्या है, हाँ हालत क्या है, तुम ठीक से हैं, स्कूल जाता है कि नहीं, तुम वो काम करता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा का हाल क्या है, बेटी का हाल क्या है, बहू कैसा है, क्या करता है, हमेशा फोन करते परेशान करता है। इतना बंद नहीं होना चाहिए, विमुक्ति के लिए प्रॉब्लम। इसके बाद नचे खुदन समाचारे किंचन विन्यु परिपोधेन सुखिनो अखेमिनो सभ्य सत्ता भवंतु सुखी तत्ता। विन्यु कहता है, विन्यु मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति, दूसरों से दोष मिलने वाले छोटा भी गलती नहीं करता है, यानी कि दूसरा कौन है, बुद्धिमान लोग से यानी कि कल्याण मित्र से दोष मिलने वाले एक भी गलती नहीं करने के लिए कोशिश करता है। बुद्धिमान पुरुष कल्याण मित्र से मिलने वाले एक भी गलती नहीं करने के लिए कोशिश करे। समाज के लोग तो कहता है वो नहीं, समाज के लोग कहता है हाँ अभी तुम क्यों नहीं दारू पीता है, हाँ तुम अभी शांत बन गया, ऐसे डांटता है ना, इसके अंदर दारू पीना चाहिए नहीं। कल्याण मित्र जो दोष लगाते वो नहीं करना चाहिए एक भी गलती, वही है। आप देखिए देवताओं यही सुन लिया ना, जंगल के देवताओं सुनने के बाद कितना प्रसन्न हो गया बांते लोगों के ऊपर, अरे बाप रे हम लोग गलत सोचे हैं बांते लोगों के बारे में, इतना गुणधर्म वाले हैं। ऐसा सुखी नोवा प्रार्थना करना चाहिए सारे लोगों को, सभी लोग सुखी हो। खेमिनोवा, खेमिनो मतलब बिना डर के हो, क्षेम मतलब क्षेम भूमि कहता है निर्वाण को, क्यों सारे डर भय खत्म कर दिया, युद्ध जीत गया, वह क्षेम भूमि है, वो है निर्वाण। सारे के सारे लोग खेमिनोवा, खेमिनोवा मतलब बिना डर के हो, मतलब सारे लोगों का दिल का जितना डर है सब डर भय हट जाए, एक प्रार्थना है। सुखिनोवा खेमिनोवा, सुखिनोवा मतलब सुखिनोवा खेमिनो होंतु, सुखी हो डर भय नष्ट हो। सभ्य सत्ता भवंतु सुखी तत्ता, सारे लोग सुखी मन वाले बन जाए, सारे लोगों का मन सुखी हो जाए। मन सुखी हो जाए मतलब मन एकदम खुशी है, मन में एकदम शांति है, सारे लोगों का मन में शांति हो, खुशी हो, सुखी हो, उसके लिए कहता है सभ्य सत्ता भवंत सुखी तत्ता, सारे लोग सुखी बन जाए, सुखी बने इंसान। एक ही चपान भूता तितसावा थावरावा अनवशेष दीगावा ये महंता मध्यम रस कान को तूला। एक ही चिपान भूता ति, जो कोई प्राण भूत है, प्राण भूत मतलब जो जन्म लिया उन लोग को भूत कहता है, प्रेत भूत को भी प्रेत भूत कहता है, लेकिन जो जन्म लिया उन लोग को भी भूत कहता है। जो कोई जन्म लिया है प्राण भूत है वो सारे लोग तसावा, जो कोई जन्म लिया उन लोग अभी डिबेट कर अलग अलग करता है कैसे, तसावा, तसा मतलब डरने वाले, कौन है डरने वाले, आप डरते कि नहीं, डरते कि नहीं, इसका मतलब हम सभी लोग डरने वाले हैं, डरने वाले लोग हो, या तो फिर थावरा एकदम स्थिर फिक्स, कौन है अरहंत लोग जो डर भय खत्म कर दिया, उन लोग पहला कौन लोग हैं, जो कोई प्राण भूत है इस दुनिया में, कौन है डरने वाले, तसावा थावरावा नहीं डरने वाले हो सकता है, या तो फिर अनवशेषा, अनवशेषा मतलब वो भी
शरीर का भाग दिखता ही नहीं उन लोगों का, वैसे लोग तो प्राणी लोग, दीघावा लंबी शरीर वाले लोग। कोई कोई का शरीर लंबा है ना, मेरा हम लोग की नहीं, कोई कोई का शरीर बिहार जैसा है, बिहार जैसा बड़ा है, कोई कोई का शरीर पूरा राजगीर जैसा बड़ा है, वो हम लोग को दिखता नहीं है, वो सिर्फ ध्यान करने वाले देखता है, भगवान बुद्ध देखते हैं। प्रेत लोग, नाग लोग, कोई कोई नाग है, यहां से कम है झारखंड तक, उतना बड़ा नाग है, लेकिन दिव्य नाग। मध्यम आरस कान का थूला, मध्यम शरीर वाले, फिर दीर्घ शरीर वाले हो या तो फिर मध्यम शरीर वाले, हम लोग हाथी उती हम लोग जैसा मध्यम शरीर है ना। अनुकथूल, अनुकथूल थूल मतलब बहुत छोटा शरीर वाले लोग, कौन शूद्र जीव जैसा है ना, सबसे छोटा है उन लोग भी। आप देखिए किन को मैत्री करना चाहिए, सीख गया ना, किन को करना चाहिए, धरने वाले लोगों को, नहीं धरने वाले लोगों को, अवशेष रहित लोगों को, यानी कि उन लोग का शरीर दिखता नहीं है, देव देवता ब्रह्म भूत प्रेत का शरीर दिखता नहीं है ना, अनवशेष। दीघावा लंबी शरीर वाले लोगों को, मध्यमा मध्यम शरीर वाले लोगों को, अनुकथूल छोटा शरीर वाले लोगों को प्रार्थना करना चाहिए सभी लोग, सभ्य। इसके बाद हाँ, इसके बाद सभ्य सारे लोगों को मैत्री करना चाहिए, सभी लोग सुखी हो। मैत्री ध्यान में ये आना चाहिए विचार में, ये सब तो अलग से मनन करना जरूरत नहीं, नॉर्मली आना चाहिए। हम किसको मैत्री करेंगे, हमारे शरीर के अंदर प्राणी है कि नहीं, अभी वो छोटा प्राणी से लेकर हर एक को करना चाहिए। इसके बाद और एक है, दिठावा ये दिठा ये चुद्री वसंती अविदूरी भूतावा संभवे सीवा सभ्य सत्ता बंधु सिकितात्ता। और है दिठावा, आंख से दिखाई देने वाले लोगों को मैत्री करना चाहिए। कौन आंख से दिखाई देता है, आप लोग, कीड़ा मकोड़ा जानवर जो लोग। अदिठा नहीं दिखने वाले लोग कौन, भूत प्रेत दिखता है, देवताओं दिखता है, ब्रह्म दिखता है, नरक में रहने वाले दिखता है, ऐसा है तो अदिठा नहीं दिखने वालों को मैत्री करना चाहिए। ये दूरे जो दूर में रहता है, ये दूरे वसंती जूर दूर में वास करता है, कहाँ, अमेरिका में हो या तो फिर ब्रह्मांड में कहीं देवलोक में हो, अविदूर या तो फिर अविदूर मतलब बगल में, दूर नहीं है बगल में है। भूता, भूता मतलब जो जन्म लिया, संभवे सीवा जन्म लेने के लिए तैयार है, अभी तक जन्म नहीं लिया लेकिन जन्म लेने के लिए तैयार, यानी कि पेट के अंदर है। कौन कौन, दिखने वाले लोग, अदिठा नहीं देखने वाले लोग, ये दूरे वसंती दूर में वास करने वाले लोग, अविदूरे बगल में रहने वाले लोग, भूता जन्म लिए हुए लोग, संभवे सीवा जन्म लेने वाले लोग, सारे लोग, सभ्य सत्ता भवंतु सुखी तत्ता, सारे लोग सुखी हो जाए, सबको सुखी मन प्राप्त हो जाए। एक दिन सारिपुत्र बनते जी, देखिए बहुत राक्षस लोग कितना बड़ा है, सारिपुत्र बनते जी पूर्णिमा के दिन बाल काट के बाहर खुला हवा में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते समय दो राक्षस आसमान से जा रहे थे, जाते समय एक राक्षस बताया, अरे यार देखो ना वो मुंडक का टकला दिखाई दे रहा है, हमको मारने का ही मन कर रहा है, चंद्रमा से चमक रहा है, मार क्या, ए उसमें आओ, वो छोटा मोटा नहीं, वो भगवान बुद्ध शिष्य है, चोर हमको मारने का ही मन करता है। बाद में बहुत पछताओ कि मत करो, हाथ मत लगा, नहीं नहीं यार हमको हाथ खुलखुलाता है, हम एक बार मारेंगे, ऐसे करके हाथ ऐसे करके
नीचे आकर ढोंग करके मार दिया, तुरंत मुग्गा ना बांधते बाहर आ गया, क्या आवाज हो गया है, जोर से आवाज निकल गया। इसका सारभूत बांध उठने के बाद मुग्गा बांधे देखा ये सीन, सारभूत बांधे से पूछा आपका सिर दुखता नहीं है? नहीं, चीटी काटा जैसा थोड़ा कुछ लगा, फिर कुछ नहीं हुआ। थोड़ा कुछ लगा, एकदम बहुत बड़ा राक्षस अपना हाथ से आपका सिर को मार दिया, अगर पत्थर को मार दिया तो पत्थर टूट जाता है, अभी कहाँ है वो, तुरंत धरती फाटके और नीचे ले गया, नरक में गया है। वर्तमान लोगों को राक्षस आके मारना जरूरी है, सामने खड़ा हो गया तो बहुत काफी है। नपुरो पर निकुबेथ नाति मान्येत कत्त चिनां कांचि व्यारोसना पटिक सान्य, बहुत सुंदर। नान्य मान्यस दुख मिच्छे, देखिए भगवान बुद्ध ने भारत के लोगों को क्या सिखाया। अभी भारत के लोग पास ये नहीं है ना, इसीलिए भारत के लोग अभी अंधेरे में, ये है तो कितना खुश नसीब इस लोग जीवन बिताएगा। अगर ये चीज देखना चाहते श्रीलंका जाइए, देखिए अब ये वाला नपुरो पर निकुबेत, कभी भी कोई भी व्यक्ति और किसी को कभी धोखा ना दे, प्रार्थना है, कोई भी व्यक्ति और किसी को फंसाना नहीं, मत फंसाए, मत धोखा दे, कितना सुंदर प्रार्थना है ना, हमको नहीं किसी को भी, किसी को भी कोई भी व्यक्ति कभी धोखा ना दे, कोई भी काम पे मत फंसा दे, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। वर्तमान में क्या है, लूटो ठगो किसी भी हाल से, वो चाहिए फंसाओ उसको, फंसाओ, वर्तमान प्लान वही है। नपरो पर निकुबेत, इसका मतलब हम बताए क्या है, कोई भी और किसी को न फंसाए, कोई भी और किसी को न धोखा दे। नाति मान्येथ कथचिन आकांक्षी, अपने के बारे में हद से ज्यादा सोचने नहीं सोचने के लिए बताया, इसका मतलब क्या है, अपना लिमिट होता है ना, उससे ज्यादा अपने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप सबके एक लिमिट होता है, आप हम सबके एक बाल का लिमिट होता है, हम सिर्फ इतना ही कर सकते, उससे आगे नहीं, लेकिन चिल्लाते हैं हम वो कर सकते, वो कर सकते, हमका पहचान आदमी लोग हर जगह पे हैं, तुमको एक दिन उड़ा देंगे हम, ऐसे के हद से ज्यादा सोचना अपने के बारे में, पतन हो जाता है। कभी भी अपने के बारे में मन में मत लेना चाहिए, हम ऐसा है। ब्यारोसना पाटी घसान्या, यानी कि गुस्सा उत्पन्न होने वाले गलत शब्द कभी मत बोले कोई भी व्यक्ति, गुस्सा उत्पन्न होने वाले कोई भी शब्द किसी को ना बोले, कितना सुंदर प्रार्थना है ना। नान्य मान्या से दुख कमी चाहिए, ये बहुत सुंदर है, कोई भी व्यक्ति और किसी का दुख पसंद ना करे, वर्तमान में यही होता है ना, हर एक लोग दूसरों का दुख पसंद करता है, अगर किसी घर का दुख उत्पन्न हो गया तो तुरंत जाके क्या हुआ क्या हुआ हाँ हाँ करके रो भी लेता है, आंसू भी गिराता है अंदर खुश, कोई पतन हो रहा है तो पतन देख के खुश हो जाता है, अगर किसी का बहुत बड़ा दुकान जल गया तो बहुत खुश हो जाएगा। महामाया के इधर होटल बना है ना, अगर इसमें एक बम उड़ा दिया तो कितना लोग खुश हो जाएगा, कि होटल वालों के इधर उसी दिन उन लोग का सबसे खुशी दिन हो जाएगा, क्यों, एक दूसरे का पतन को देख के लोग खुश होता है। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा नहीं, कभी भी एक दूसरे का दुख कभी पसंद ना करे। माता आया था नियम पुत्तंग आय सह पुत्र मनुरा और थोड़ा है एवं सब भूते सुमान संभाग परिमाना, माता यथा नियम पुत्तंग आय सा एक पुत्र मनुरा के, एक माँ है अपना एक लौता बच्चा है,
अपना एकलौता बच्चा को कैसा सुरक्षा करती है माँ, हर पल ध्यान देती है ना, मेरा एक ही बेटा है, ऐसा करके हर पल ध्यान देती है। वैसे ही है सब भूतेषु, सारे लोग के रही मान संभावे मैत्री करिए अपरिमाणन, बिना लिमिट का। कैसा, जैसा अब माँ अपना एकलौता बेटा पे कैसा मैत्री करता है, मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा अच्छा बने, मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटा ऐसा हो, ऐसा करके बहुत आशा है ना। वैसे ही मैत्री करने के लिए बताया सारे जग को, सारे ब्रह्मांड को इसी प्रकार मैत्री करने के लिए बताया। कैसे, अपरिमाणन, बिना प्रमाण के। प्रमाण मतलब सिर्फ बिहार को या तो फिर भारत को, ऐसा नहीं, दुनिया से भी आगे, दिशा 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 में देवलोक से उससे भी आगे सबको मैत्री करने के लिए बताया। कैसा, एकलौता बेटा जिसके पास है वो माँ जैसा, माँ अपना बेटा के बारे में सोचता है ना, वैसा प्रेम भाव से रहने के लिए बताया सारे लोगों के प्रति। कितना सुंदर है ना, ऐसे ही थे भारत के लोग भगवान बुद्ध के समय में। मेत्तांच सब लोकास्मि मान संभव अपरिमाणन, मेत्तांच सब लोकास्मि, सारे लोगों में मान संभव अपरिमाणन, सारे लोगों के प्रति बिना लिमिट हो, बिना प्रमाण रहित होते हुए मैत्री करिए। सारे लोग, अभी मनुष्य लोग हैं, जानवर लोग हैं, और मनुष्य लोग हैं, और सौरमंडल हैं, और गैलेक्सी हैं, और होगा, और होगा, और होगा। भगवान को देखे ना एक सूत्र में, अभिभूत सूत्र में, सारे लोगों को मैत्री करने के लिए बताया बिना लिमिट के। लिमिट मतलब मेरा परिवार सुखी रहे उन लोगों के लिए, मेरा जो रिश्तेदार लोग हैं उन लोग ठीक रहना चाहिए, बाकी लोग पता नहीं मर गया तब भी चलेगा, ऐसा नहीं। कैसे मैत्री करना चाहे, उद्धान ऊपर, आधो नीचे, तिरियंग तिरछा, असम बाधक बिना बाधक के। बाधक मतलब बादल से ऊपर नहीं, बादल टकरा गया मैत्री, समुद्र किनारे टकरा गया, भारत से बाहर मैत्री नहीं जाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैत्री हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रुक गया, वो बाध संबाधक है। असंबाधक मतलब बिना बाधक के मैत्री, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी दुश्मन हो, फिर भी उन लोगों को मैत्री करना चाहिए। अवेरंग असपत्तंग, बिना वैर मन फैलाना चाहिए, बिना वैर का मन मतलब मैत्री मन फैलाना चाहिए। उद्धंग अधो च तिरियंग च असंबाधन, बिना बाधक का। अवेरंग असपत्तंग, अवैरी बिना वायर के मैत्री फैलाना चाहिए। तिट्ठन चरण निसिन्नो वा, बताए ना, असपत्तन, असपत्तन मतलब बिना बिना दुश्मनी, अवेरा मतलब बिना बैरी, असपत्तन बिना दुश्मनी। कौन जैसा भी करना चाहिए, माँ जैसा ना, सारे लोगों के प्रति मैत्री करना चाहिए। तिट्ठन चरण निसिन्नोवा, खड़ा होते रहते समय, चरण घूमते रहते समय, निसिन्नोवा बैठ के रहते समय, सयानोवा ऐसे लैट के रहते समय, आदमी सोते रहते समय मैत्री करने के लिए बताया। इसका मतलब हर पल मैत्री करना चाहिए, हर पल खड़ा होकर रह गया तभी मैत्री। सो चल पढ़ाई कर, तो समय मैत्री नहीं कर सकता है, पढ़ाई भी थोड़ा रुक गया तो फिर मैत्री स्टार्ट। कितना सुंदर है ना, फिर आप लोग बैठे टॉयलेट में जाके बैठे हुए, तो कैसे वो सब निकलने तक आप लोग पूरा मैत्री। इसके बाद यावता से विगत मिद्धो,
यावता स्वीकृत मिद्ध मात्र सोने के लिए जाता है, लेकिन नींद आने तक जगह है ना, सोने के लिए सो गया लेकिन नींद आया नहीं अभी तक, गैप है ना। उसी समय में भी या तो फिर बिना सोते हुए रहते समय में भी मैत्री करना चाहिए, ए तंसति अधिक चाहिए। इसी प्रकार मैत्री करेंगे तो उसको कहता है ब्रह्म विहार। अभी थोड़ा गहरा आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। दिथिन चानपगम में कोई भी दृष्टि में नहीं फंसना चाहिए। दृष्टि मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहता है, मिथ्या विश्वास आप लोग जानते हैं ना, सार मिथ्या विश्वास पे नहीं आना चाहिए। दर्शन संपन्न चार आर्य सत्य की दर्शन होना चाहिए, यानी कि चार आर्य सत्य की ज्ञान होना चाहिए। कामेशु विनय ये धन, पंच काम के प्रति आशा को त्याग कर दिया तो, पंच काम के प्रति इच्छा छोड़ दिया तो नहीं जा तो गब से हम पुनः रहती थी, वापस माँ का पेट कभी नहीं आएगा। किसके ऊपर आशा त्याग? क्या क्या हो गया तो? दृष्टि में मिथ्या विश्वास पे नहीं फंसा तो, दूसरा चार आर्य सत्य जान गया तो भगवान बुद्ध की, पंच काम को त्याग किया तो, वो तीन चीज है तो नहीं जातु गर्भ से, या वो नहीं जाता है गर्भ में पुनरेति थी, पुनर अगेन वो नहीं जाता है। ये है कारणिमेत सूत्र। आप देखिए कितना सुंदर उपदेश है ना, हम लोग वही चैंटिंग कर रहे थे मैत्रीवान, इसीलिए अभी आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं ना, मीनिंग जान गया। अभी आप लोग ये मीनिंग अगेन एंड अगेन को मनन कर रिपीट करना चाहिए, याद करना चाहिए, और इस पे जितना गुण है सारे गुण एक एक करके आप लोग अपना जीवन उतारना चाहिए। हर एक गुण को जो याद फटाफट अभी तुरंत जस्ट लेना चाहिए। ये गुण का जरूरत अभी नहीं, जब प्रॉब्लम आता है तब सोचिए। अभी आप जिद्दी नहीं होना जरूरत नहीं है, क्योंकि जिद्दी होने का कोई खतरा प्रॉब्लम आया ही नहीं। जब जिद्दी होने का कुछ होता है तब इस्तेमाल करना चाहिए ना, नहीं हम जिद्दी नहीं होंगे क्योंकि निर्वाण के रास्ते पे हम रहते हैं। तो ये कारणिमेत सूत्र बांते लोगों को भगवान बुद्ध सिखाए। बांते लोग जंगल में जाकर के चांटिंग करने लगा, बोलने लगा, सारे देवता प्रसन्न हो गया, सारे देवता बांते लोग सेवा करने लगा, मदद करने लगा, सारे बांते लोग ये माई हरने में सूत्र का गुण अपना करके सभी दुख से मुक्त हो गया। तो आप लोग भी इसका गुणधर्म अपना लीजिए, अपना करके आप सभी लोगों को भी गुणधर्म के अनुसार शांति से खुशी से जीने का भाग्य मिल जाए।